मौसम का उतार चढ़ाव लोगों के स्वास्थ्य पर भारी पड़ रहा है। कभी पारा चढ़ने पर तो कभी पारा गिरने से लोग मौसमी बीमारियों के शिकार बन रहे हैं। यही कारण है कि अब जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। डॉक्टरों की माने तो बदलते मौसम के बीच जिला अस्पताल में अधिकतर सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, पेट दर्द, उल्टी, दस्त के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। इन दिनों शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक बुखार का प्रकोप चरम पर है। बागला जिला अस्पताल से लेकर निजी चिकित्सकों के यहाँ भी मरीजों की भीड़ देखने को मिल रही है। से बदल रहा है तो किस तरह के मरीज ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि इमरजेंसी में भी आज काफी मरीज हैं इसके अस्थमा टाइप की, सांस वगैरह की, क्या किस तरह के मरीज ज्यादा आ रहे हैं इस समय? जो ज्यादा आ रहे हैं, एक तो मौसम बदला है, आज थोड़ी बूंदाबांदी भी हुई है, इस चक्कर में कुछ बच्चे बुखार के भी आ रहे हैं, बड़े बूढ़े लोगों को थोड़ा सांस की दिक्कत हो रही है जी, और खांसी जुकाम की वजह लोगों को पेट दर्द की दिक्कत भी हो रही है। खांसी जुकाम के मरीज संभवतः ज्यादा आ रहे हैं। अच्छा, अस्थमा, सांस वगैरह, हार्ट वार्ट की मरीज जी, जी जी तो इमरजेंसी में ज्यादा मरीज हैं? इमरजेंसी ओपीडी बंद है, आधे हाफ डे ओपीडी तो चली है, और बाकी ये है कि इमरजेंसी में सांस वाले मरीज काफी ज्यादा है। अच्छा अच्छा, क्यों? क्योंकि मौसम बदल रहा है, लोगों को अपनी पहनने ओढ़ने का ध्यान नहीं रख रहे हैं, खेतों में काम भी कर रहे हैं बुजुर्ग लोग हैं। क्या एहतियात करते हैं आप? इनके लिए इनको करना चाहिए कि सुबह शाम अपने पूरे कपड़े पहन के निकलें, अगर रात को अगर खेतों पे जाना भी है तो अपने पूरे कान वान ढक के, जूते मोजे वगैरह पहन के, प्रॉपर कपड़े पहन के, शॉल ओढ़ के उस समय जाएं। रात में कोशिश करें कि भाई खेतों में ना रुकना पड़े, पानी वानी से थोड़ा धूप वूप निकला है तो उसमें काम करें, और अपने खाने पीने में ये कि गुनगुने पानी लें, थोड़ा हेल्दी खाना डाइट लें, बाजार की चीजों से, मिर्च मसाले से इनसे परहेज करें। हाथरस 24 सत्य की राह पर डिजिटल न्यूज चैनल।